हेलो दोस्तों, मैं हूं ऋषिकेश और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स कॉप। और आज इस स्टूडियो में आपसे बात करने वाला हूं आईसीसी वर्ल्ड कप 2019 के मुकाबले जो खेला जाएगा पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका के बीच में मैका ऑफ क्रिकेट यानी लंदन के लॉर्ड्स क्रिकेट स्टेडियम के अंदर 23 जून को दोपहर के 3 बजे से। और इसका लाइव टेलीकास्ट होने वाला है स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के ऊपर। सबसे पहले मैं आके पिच रिपोर्ट के बारे में बात करता हूं। तो इस वर्ल्ड कप का पहला मैच है जो कि लॉर्ड्स के अंदर खेला जा रहा है। अभी इससे पहले जो रॉयल वनडे कप टूर्नामेंट चल रहा था इंग्लैंड का, वहां की अगर मैं पिचेस के बारे में बात करूं तो काफी अच्छी बैटिंग प्रकंग को देखने को मिलता है। मौसम भी काफी खुला हुआ रहने वाला है लॉर्ड्स के क्रिकेट स्टेडियम के अंदर, तो वापस से काफी अच्छा बैटिंग ट्रैक हो सकता है। और इस टूर्नामेंट का जो हमको देखे जा रहे हैं, यहां पे चेस करना काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा है टारगेट को। तो जो भी टीम पहले टॉस जीती है वो पहले बैटिंग करने का फैसला कर सकती है, क्योंकि जो भी 250 से ऊपर रन बन रहे हैं वो चेज अच्छे से नहीं हो पा रहे। इंग्लैंड भी श्रीलंका से हार गया, तो पहले बैटिंग करने वाले पिच है वापस से लॉर्ड्स की, तो आप पहले बैटिंग करके अच्छा टारगेट सेट करना चाहोगे। अगर मैं वेदर रिपोर्ट के बारे में बात करूं तो काफी क्लियर वेदर रहने वाला है, बारिश की कोई भी चांसेस नहीं है। लग रहा है फाइनली इंग्लैंड की समर्स आ चुके हैं और आपको पूरा 50 ओवर का मैच देखने को मिल सकता है। सबसे पहले मैं पाकिस्तान की टीम के बारे में बात करता हूं, तो पाकिस्तान की टीम पिछले मैच में इंडिया से हार के आई है। पाकिस्तान की टीम की बात करो, इनकंसिस्टेंसी काफी बड़ा रोल रहने वाली है। पिछले मैच में फाखर जमान और बाबर आजम के बीच में काफी अच्छी पार्टनरशिप हो रही थी, पर जैसे ही कुलदीप यादव ने बाबर आजम को आउट किया उसके बाद पूरी की टीम एक साथ आउट हो गई, तो पाकिस्तान की टीम में कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाला प्लेयर दिख नहीं रहा है। पिछले मैच में फाखर जमान फॉर्म में है, जो कि काफी अच्छी बात है। फाखर जमान का फॉर्म में आते हैं तो पाकिस्तान को काफी अच्छी स्टार्ट दे सकते हैं। उसके बाद बात करूं तो बाबर आजम के काफी टेक्निकल प्लेयर हैं, हालांकि उनकी स्ट्राइक रोटेशन के ऊपर सवाल उठ रहे हैं। वो बाउंड्रीज तो काफी अच्छी मारते हैं, पर स्ट्राइक रोटेट अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं। तो ये भी देखने वाली बात होगी कि किस तरह से पाकिस्तान खेलती है। इमाम उल हक से काफी उम्मीदें रहने वाली, पर वो अच्छा नहीं खेल पा रहे और उनको काफी उनके फॉर्म प्लेयर क्रिटिसाइज भी कर रहे होंगे स्ट्राइक रेट वगैरह के लिए। तो इमाम उल हक, फाखर जमान, बाबर आजम की बैटिंग के ऊपर काफी कुछ रिलाय करता है पाकिस्तान की टीम में। हालांकि मोहम्मद हफीज की परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा टूर्नामेंट के अंदर, पर पिछले मैच के अंदर वो कुछ खास नहीं कर पाए। सरफराज अहमद की कैप्टनसी को लेकर भी काफी ज्यादा सवाल उठ रहे हैं, खासकर इंडिया वाले मैच में जो उबासी मारते हुए दिख रहे थे उनको काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया कि ना उनकी टेक्निकल स्किल अच्छी चल रही है, ना उनकी फिटनेस लेवल उतनी अच्छी, ना वो उतनी ज्यादा गेम में इन्वॉल्व दिख रहे हैं। तो सरफराज अहमद को कैप्टनसी लेवल जरूर से ऊपर करना पड़ेगा। बॉलिंग की अगर मैं बात करता हूं तो जरूर से मोहम्मद आमिर ने बहुत ज्यादा इंप्रेस किया है, पर उसके अलावा उनको कोई साथ देने वाला बॉलर मिल नहीं रहा है। खासकर कि हसन अली ने बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट किया इस वर्ल्ड कप के अंदर, ना उनकी इकोनॉमी अच्छी रही, ना उनको ज्यादा विकेट मिल पा रहे हैं। तो देखने के बाद होगी हसन अली किस तरह से परफॉर्म करते हैं। मुझे लगता है कि इसमें हसन अली को ड्रॉप होना चाहिए। शाहीन अफरीदी काफी अच्छे प्रोस्पेक्ट जो कि टीम में आ सकते हैं, एक लेफ्ट आर्म अच्छे पेसर है, काफी अच्छी लाइन लेंथ रहती है, पेस भी काफी अच्छे रखते हैं, तो वे काफी अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं। पिछले मैच पाकिस्तान ने शदाब खान को खिलाया और इमाद वसीम को खिलाया, तो पर वो काफी अच्छा खेले। इमाद वसीम ने बॉलिंग काफी इकोनॉमिकल करी और बैटिंग में भी काफी अच्छे रन बना, जो पाकिस्तान को नंबर 7 पे अच्छी बैटिंग देने वाले प्लेयर हैं। हालांकि शदाब खान पिछले मैच में नहीं कर पाया, पर शदाब खान काफी अच्छे लेग स्पिनर हैं और वो भी काफी अच्छा परफॉर्मेंस करने में सक्षम है। तो वैसे पाकिस्तान की टीम के बारे में बात करूँ, काफी अनप्रेडिक्टेबल टीम है, कभी कभी काफी अच्छा खेलती है, कभी कभी काफी बुरा भी खेलती है। वैसे टीम में ज्यादा चेंज करने का मतलब बनता नहीं है, पर मैं चाहूंगा हसन अली की जगह शाहीन अफरीदी टीम है। बाकी टीम काफी स्टेबल तो नहीं है, पर काफी एक्सपीरियंस प्लेयर जरूर है, अगर वो अपने दिन पे चाहें तो मैच पलट जरूर सकते हैं। तो मैं ये इलेवन खेलना चाहूंगा पाकिस्तान की। ओपनिंग करेंगे इमाम उल हक और फाखर जमान, नंबर 3 पे बाबर आजम, नंबर 4 पे मोहम्मद हफीज, नंबर 5 पे सरफराज अहमद, नंबर 6 पे शोएब मलिक, नंबर 7 इमाद वसीम, फिर शदाब खान, मोहम्मद आमिर, वहाब रियाज, तो आखिरी में प्लेयर होंगे शाहीन अफरीदी। तो मैं हसन अली से शाहीन अफरीदी को रिप्लेस करूंगा, क्योंकि हसन अली का फॉर्म बिल्कुल भी खराब अच्छा नहीं चल रहा है। तो मेरे हिसाब से ये पाकिस्तान की बेस्ट टीम अवेलेबल की टाइम पे। अब मैं बात करता हूँ साउथ अफ्रीका की टीम की, जिनको वर्ल्ड कप का चोकर्स कहा जाता है, और ये उन्होंने वापस इस साल प्रूफ कर दिया है। उनके टीम वाला एसेट्स की कोई कमी नहीं है, पर फिर भी टीम एज ए टीम बिल्कुल नहीं खेल पा रही है। अच्छे रिजल्ट पिछले मैच में बात करते लक नहीं था, पिछले मैच उनको इतना अच्छा लक मिला, मार्टिन गप्टिल रन हिट विकेट आउट हो गए, उसके 2 बॉल बाद पे रॉस टेलर एक लेग साइड पर फ्लिक करते आउट हो गए। ऐसे विकेट आपको जनरली नहीं मिलते हैं, ऐसे विकेट्स मिलने के बाद भी वो जीत नहीं पाए, तो ये साउथ अफ्रीका की बहुत अच्छी बात नहीं है। टीम बुरा नहीं खेली, हर प्लेयर ने कंट्रीब्यूट किया। हाशिम आमला ने भी काफी अच्छे रन मारे, उसके बाद फाफडू प्लसी ने भी काफी अच्छी बैटिंग करी, उसके बाद एडन माकरम ने भी अच्छा स्टार्ट मिला, उसके बाद रेसी वेंडर डसन को भी अच्छा स्टार्ट मिला, पर टीम की कोई भी स्ट्राइक रेट अच्छी नहीं रह पाई। इतनी अच्छे बैटिंग परफॉर्मेंस के बाद भी टीम 241 रन बना पाई, जिससे हमको पता लगता है कि टीम का स्ट्राइक रेट कितना कम है और मोरल काफी कम है, इंटेंट पॉजिटिव नहीं लग रहा है साउथ अफ्रीका का। तो ये
देखने में बात होगी कैसा इंटेंट के साथ वो इस गेम में जाते हैं, बैटिंग में नाम अच्छे अच्छे हैं और खेल भी अच्छा रहे हैं, बस स्ट्राइक रेट से अच्छा नहीं खेल पा रहे तो इंटेंट काफी खराब लग रहा है। दूसरी तरफ अगर बात करूँ बॉलिंग के बारे में तो पिछले मैच में एक ही खराब बॉलर थे एंडाइल फिलिकवायो, एंडाइल फिलिकवायो के अलावा बाकी सारे के सारे बॉलर्स ने काफी अच्छी बॉलिंग करी। इमरान ताहिर ने भी काफी ज्यादा इकोनॉमिकल बॉलिंग करी, सिर्फ 10 ओवर में 33 रन दिए। उसके अलावा क्रिस मॉरिस उनके पिक ऑफ द बॉलर्स है, काफी अच्छी बॉलिंग करे क्रिस मॉरिस। लुंगी एनगिडी के वापस आने से उनकी बॉलिंग भी काफी स्ट्रॉन्ग हुई और कगिसो रबाडा ने भी काफी अच्छी बॉलिंग करी। तो एक जने के बेकार बॉलिंग से आप मैच हार गए, क्यों? क्योंकि आपके बैट्समैन ने काफी कम स्ट्राइक रेट से रन बनाए और उनके इसकी वजह से रन बहुत कम बने। अगर साउथ अफ्रीका को जीतना है तो उनको इंटेंट बदलना पड़ेगा, थोड़ा सा अग्रेसिव ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलना पड़ेगा, थोड़ा सा पॉजिटिव क्रिकेट खेलना पड़ेगा, क्योंकि टीम बुरी नहीं है साउथ अफ्रीका की, टीम काफी अच्छी साउथ अफ्रीका की। अगर वो चाहे तो आगे के मैचेस जीत भी सकती है और चाहे तो टूर्नामेंट वापसी करना तो उनको बहुत मुश्किल लग रहा है। हालांकि अभी भी मैथमेटिकल चांसेस हैं, इतने चांसेस नहीं है पर मैथमेटिकल चांस जरूर हैं। तो साउथ अफ्रीका भी चाहेगी को मैच जीतना चाहे तो मेरे हिसाब से ये प्लान होनी चाहिए साउथ अफ्रीका की, कोई चेंज करना मतलब बनता नहीं है, इसी प्लेइंग में वापस खिलाना चाहिए। ओपनिंग करेंगे क्विंटन डिकॉक, हाशिम आमला, नंबर 3 पे फाफडू प्लेसी, नंबर 4 पे एडन माकरम, नंबर 5 पे रेसी बेनेडिक्सन, नंबर 6 पे डेविड मिलर, नंबर 7 पे एंडल फिलिकवायो, क्रिस मॉरिस, कगिसो रबाडा, लुंगी एनगिडी, इमरान ताहिर। टीम बुरी नहीं है, सिर्फ इंटेंट चेंज करने की जरूरत है। अगर मैं बात करूं अपनी फैंटेसी लीग्स के बारे में तो अगर मैं इस मैच में कैप्टन हूंगा तो मैं इस मैच में कैप्टन रखने वाला हूं वापस से फाखर जमान को। फॉर्म में आ गए हैं फाखर जमान, एक बड़ी पारी जरूर से खेलना चाहेंगे इस वर्ल्ड कप के अंदर और जिस दिन उनकी बड़ी पारी होगी वो किसी भी टीम को लेके जा सकते हैं। वाइस कैप्टन के लिए मेरी पिक होगी फाफडू प्लेसी, नंबर 3 के ऊपर आते हैं, एक काफी अच्छे स्टेबल बैट्समैन है, वो काफी सॉलिडिटी दे सकते हैं। अगर मैं इसके मैच के बारे में बात करूं तो दोनों ही टीमों का परफॉर्मेंस काफी ज्यादा अच्छा नहीं रहा है टूर्नामेंट के अंदर और दोनों ही टीमों को अगर मैथमेटिकल चांसेस भी रखने हैं तो यह मैच जीतना पड़ेगा। जो भी टीम यह मैच हारेगी ऑफिशियली टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी, मैथमेटिकल चांसेस भी नहीं बचेंगे। तो ये एक डू ऑर डाई मैच है दोनों टीमों के लिए। हालांकि क्वालिफाई करना दोनों ही टीमों के लिए काफी मुश्किल होने वाला है पर फिर भी दोनों टीम में जीतना चाहिए। जब तक मैथमेटिकल चांस लाइव है तब तक कुछ भी हो सकता है टूर्नामेंट के अंदर। अगर श्रीलंका इंग्लैंड को हरा सकती है तो कुछ भी हो सकता है। तो देखने की बात होगी इस मैच में क्या होता है, दोनों ही टीमों के लिए जीत काफी ज्यादा जरूरी। तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो को पसंद जरूर से आया होगा, वीडियो पसंद लाइक जरूर से करना, सब्सक्राइब करना चैनल को इस तरह की वीडियो देखने के लिए। हम लोग बहुत बहुत थैंक यू, मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। याद रखिएगा स्पोर्ट्स नहीं तो कुछ नहीं।